साथ इधर से काटते हैं। तो भाई हमारी ट्रेन का जो है ना हॉट एक्सल हो गया ट्रेन के एक व्हील में, तो मैरापुर स्टेशन पे हमें जो है ना ए सम साहब ने जो पिछला स्टेशन था उन्होंने कहा था कि आपकी जो ट्रेन के व्हील में से ना लाल सी आग निकल रही है। अभी ऐसा है कि हमारी ट्रेन को यहाँ रोक दिया है। अब भी हम जब लाखा रोड स्टेशन पास कर रहे थे तो वहाँ के जो एएसएम साहब हैं उन्होंने ये देखा कि वैगन का जो एक व्हील है वो हार्ड एक्सल हो रहा है, तो उन्होंने हमें फ़ौरन मेट्रोला पे कहा कि आपकी जो ट्रेन है ना इसका एक व्हील में ना एक व्हील से जो है ना वो आग रेड हुआ पड़ा है बिल्कुल। तो फिर हमने फिर जो अगला स्टेशन था नेक्स्ट स्टेशन वहाँ पे हमारी ट्रेन को कंट्रोल साहब ने रुकवाया और जब तो हमने यहाँ रुका तो फिर इस व्हील की ये कंडीशन थी जो मैंने आपको भी वीडियो में दिखाई है। अब ऐसा है कि फ़िलहाल तो अभी हमारी ट्रेन यहीं पे रुकी हुई है, अब जो नेक्स्ट ऑर्डर आता है तो फिर उसके तहत ही हम काम करेंगे। तो अब जा रहा हूँ मैं अपने इंजन के ऊपर। ये तो शुक्र है कि जो स्टेशन है ये रौनक वाला स्टेशन है, यहाँ पर हर चीज़ सुबह सैरी के लिए भी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी आराम से। ऐसा है कि इंजन हमने अपना जो है शट डाउन कर दिया है और अब तो मुझे तो ऐसे लगता है कि सुबह ही जो है ना इस ट्रेन का कुछ होगा क्योंकि मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का टाइम है सारा, तो अभी इतना रिस्क तो ले नहीं सकते कि ये इसका शैंड करें। तो अब हम भी सामने ही हमारी ट्रेन खड़ी है उसका इंजन मैंने शट डाउन कर दिया है, साथ ही हमारे ये PWI साहब का दफ्तर है तो अब यहाँ पर वगैरह यहाँ पर हम खाना वगैरह खाएँगे उसके बाद दोबारा फिर जाके मैं इंजन में बैठ जाऊँगा। हर हाल में हमारी मदद फरमाई, एक तो हमें बड़े अच्छे से कल बचाए। तो अभी ऐसा है खाना वगैरह हमने खा लिया है और अब के हमें जो प्रोग्राम मिला है कि अब इस ट्रेन का जो कुछ भी होगा वो सुबह ही होगा। तो मैं तो आ गया हूँ ये अपने इंजन में, इस टाइम रात के 11 बज गए, तो अब ये है कि सीट पे बैठ के थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। तो अब सुबह के 4 बज गए और अब सैरी की भी तैयारी करें। बिल्कुल अभी फ़्रेश हो गया हूँ, बस अभी सैरी भी हमारी आ गई है, ड्राइवर साहब फ्रेश होके आ जाएँ तो फिर हम सैरी करेंगे। और अभी भी हमारे पास सैरी अभी भी सैरी ख़त्म होने में कम से कम 40 मिनट पड़े हैं, तो आराम से सैरी भी हो जाएगी और रात भी हमारी बहुत अच्छी गुजर गई सेफली। इंजन की सीट पे मैं आराम से बैठा रहा हूँ और उसके बाद जब नींद आई है तो मैं सो भी गया हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं जागता ही रहा हूँ। तो आज मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी जो रमज़ान की पहली सहरी होगी वो मैरापुर स्टेशन पर होगी। यही है इस जॉब में कि हमारी ड्यूटी का कोई पता नहीं होता कि हम घर कब पहुँचें, कौन कहाँ हमें स्टे करना पड़ जाए। तो भाई हमारी सहरी का भी बंदोबस्त हो गया, देखें भाई सहरी कर ली है और अब रोज़ा भी बंद हो गया। मैं कल जिस टाइम मगरिब का टाइम ही हुआ था तो मैंने मुबारकबाद दे दी रमज़ान की, मगर वो सीन ही ऐसा हुआ कि मैं मुबारकबाद भी नहीं दे सका। तो मेरी तरफ से सबको रमज़ान की और पहली सहरी की मुबारक हो बहुत बहुत, और कुछ दोस्तों की कॉलें भी आई थी तो मगर उनकी कॉलें भी मैं नहीं अटेंड कर सका इस वजह से। तो खैर अभी मैं नमाज़ पढ़ने जाना है तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कौन सी मस्जिद में जाऊँ नमाज़ पढ़ने के लिए। हम फजर की नमाज़ अदा करके अब वापस जा रहे हैं अपने इंजन की तरफ। मेरे साथ ड्राइवर जो वर्किंग में है मिस्टर मोहम्मद तारिक अब्बास साहब हैं, लोको छट के ये ड्राइवर हैं, बहुत ही मेल एक्सप्रेस के ड्राइवर हैं। तो सिम में लिखा था वैसा हुआ कि हमारा यहाँ पर रहना रुकना खड़े होना सहरी करना नमाज फजर पढ़ना जो वक्त यहाँ लिखा है कर
उतना हम गुजारेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह चल पड़ेंगे। तारिक भाई हमारे मेल एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर हैं। ऐसा हुआ कि परसों ड्राइवर मिल नहीं रहे थे तो मजबूरन फिर इनको बुक किया, और ये ना नहीं करते किसी भी ट्रेन के लिए इनको बुला लिया जाए तो फौरन ओके कर लेते हैं। इसलिए मैं ना नहीं करता कि मैं पाकिस्तान रेलवे का ड्राइवर हूँ, इसीलिए मुझे रखा गया है जहाँ मुझे समझते हैं, ज़रूरत पड़ती है मुझे बुलाते हैं, और मैं अपने मुल्क के लिए अपने दाड़े के लिए चल पड़ता हूँ, इसी के मुझे वो पैसे देते हैं और यही मेरी नौकरी है। रात भर से मैं ट्रेनें ही गुजरता हुआ देख रहा हूँ यहाँ पे, कभी अप की कभी डाउन की। बहरहाल अप की आखिरी ट्रेन थी 145 सखर एक्सप्रेस, ये यहाँ से अब पास हो गई है तो शायद अभी हमें कहा जाए हमारे कंट्रोल की तरफ से कि इंजन स्टार्ट करें या। तो ये वाली वो वैगन थी, इंजन से अगर हम इसको काउंट करें तो ये 19 नंबर पे आती है, और ये इसके जो है कंडीशन है। अब ऐसा है कि रिलीफ ट्रेन आ रही है रोड़ी से जो इस वैगन का व्हील चेंज करेगी, उसके बाद ही हमारी ट्रेन का कुछ होगा चलने का प्रोग्राम। और मेरी सर्विस में ये पहली दफ़ा हुआ है कि मैं कोई ट्रेन वर्क कर रहा हूँ और उस ट्रेन का एक वैगन का हॉट एक्सल हो गया। स्टार्ट करें, ड्राइवर साहब कह रहे हैं अब इंजन स्टार्ट कर दें ताकि जब तक रिलीफ ट्रेन पहुँचेगी तो ये इंजन भी स्टार्ट हो जाएगा। साढ़े 10 बजने वाले और हमने अपने ट्रेन के इंजन को स्टार्ट कर लिया। अभी कुछ ही देर में यहाँ पे रिलीफ ट्रेन पहुँचने वाली है, उसी में CMW स्टाफ आ रहा है जो इस वैगन को अटेंड करेगा, उसके बाद वो फिट करेगा, तो फिर यहाँ से इंशाल्लाह हम यहाँ से मूव हो जाएंगे। ये रिलीफ ट्रेन भी पहुँच गई है मैरापुर रेलवे स्टेशन पर। बज के 45 मिनट पे रिलीफ ट्रेन भी हमारी यहाँ मैरापुर पहुँच गई।
अब देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। तो जिस जगह का हॉट एक्सल हुआ था अभी उसको ट्रेन से अलग कर दिया गया ताकि यहाँ से इसका इजीली व्हील चेंज हो जाए। अब इस वैगन को लिफ्ट करने के लिए ये नीचे से ये जो लोहे का रस्सा है ये डाल रहे हैं।
चेंज हो गया वैगन का, अब इसका बस शंट ये लोड आपस में मिला देंगे इंशाल्लाह, फिर यहाँ से मूव हो जाएंगे। तकरीबन पूरा एक घंटा लगा इस व्हील चेंज होने में। अब ऐसा है कि दाऊद खेल कोल एक गुड्स ट्रेन आ रही है इधर मैरापुर, पहले अब वो जाएगी उसके बाद हमारी ट्रेन जाएगी। ट्रेन तो पास हो गई यहाँ से आपकी, मगर अब शालीमार एक्सप्रेस का भी टाइम होने वाला है, तो मुझे तो लगता है कि अब शालीमार एक्सप्रेस को भी हम यहीं पे भेज देंगे, उसके बाद ही हम यहाँ से चले। इधर अभी खड़ा हुआ था कि छोटा बच्चा पूछ रहा है कि यार ये ट्रेन क्यों नहीं चल रही आपकी, कल से खड़ी हुई है। शाम से खड़ी है भाई, मैं इसको रोड से देख रहा, ये रोड से देख रहा है कि कल शाम से यहाँ खड़ी है। बस अभी इंशाल्लाह कुछ देर में हमारी ट्रेन चलेगी, शालीमार आ जाएगी, इसके बाद हमारी ट्रेन चलेगी। अब सामने 27 अब शालीमार एक्सप्रेस भी आ गई, उम्मीद है कि इसके पीछे हमारी ट्रेन चला देंगे। के 2:30 बज गए और अब सिग्नल डाउन हो रहे हैं हमारे ट्रेन के, एडवांस स्टार्टर सिग्नल डाउन हो गया हमारे ट्रेन का, स्टार्टर सिग्नल होना बाकी है, फाटक जैसे ही बंद होगा स्टार्टर सिग्नल डाउन हो जाएगा। हमारा अराइवल हो गया रोड़ी स्टेशन पे और इस टाइम शाम के 4:45 हो रहे हैं जब हमारी ट्रेन यहाँ पे पहुँची है, और इस इंजन के साथ 90-45 के साथ ये मेरी सबसे लंबी ड्यूटी है, मैंने आज तक इतनी लंबी ड्यूटी एक इंजन के साथ नहीं करी, तो ये मुझे याद रहेगा हमेशा 90-45 इंजन नंबर। अभी ऐसा है कि मैं वेट कर रहा हूँ हमारे जो रिलीफ आएगा उसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो वो आए तो उसको चार्ज देंगे फिर मैं यहाँ से अपने। तो ये जो सामने आ रहा है असिस्टेंट ड्राइवर, ये है मेरा रिलीफ, और अब इसको चार्ज, इनके ड्राइवर को चार्ज मैंने दे दिया, ये पानी भरने चले गए थे और अपने बैग उठाने पीछे, कल ये मुझे रास्ते में मिले थे और आज फिर मुझे यहाँ पे मुलाकात हो रही है इनसे। ये ट्रेन ये लेके जाएंगे एज असिस्टेंट ड्राइवर, ठीक है शेख? ओके सर, फिर से बताया आपको, ठीक ठीक। तो अभी बस मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, फैमिली से शुक्र है हमारा अराइवल हो गया, अब इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।